हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं एलिजाबेथ की। आप देख सकते हो ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में। ये एलिजाबेथ क्यों है, ये एक पर्थ में का टूरिस्ट प्लेस है और अभी हम जानेंगे इसके बारे में और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, देखते हैं। जैसे भी आप पर्थ इस नेम से गूगल करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ के इमेजेस मिलेंगे। इसे कहते हैं एलिजाबेथ की और इसका प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग हुआ था 2012 में और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 2016 जनवरी 2016 से ये स्टार्ट हो गया ब्रिज। इसका नाइट व्यू भी बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ सामने है आइसलैंड, हम जाएंगे वहाँ और ये ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर से अभी हम आइसलैंड जाएंगे। चलिए फिर वहाँ जाके मिलते हैं। ये एक्चुअली एक फाउंटेन है, अभी तो पानी बंद हो गया ना इसका। जब भी इसका पानी स्टार्ट हो जाता है, फाउंटेन स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चे आते हैं खेलने के लिए। आप अभी ये मेरे पीछे देख सकते हो बर्ड इन बोट। इसकी हाइट है 5 मीटर। ये ब्रिज क्रॉस करके हम अभी जाएंगे आइसलैंड। अभी हम आ गए, यही जो स्टैचू ऑफ रिचमेंट का है वहाँ। तो ये है, अगेन स्पैंडा है। ये है आइसलैंड, बस छोटा सा है। स्लाइडिंग और ऐसे कुछ एडवेंचर गेम्स ऐसा है इसमें।
ये प्लेस जो है वो घर के बिल्कुल पास ही है, हार्डली 5 to 10 minutes इतना ही लगता है चल के आने के लिए। तो मैं हमेशा श्लोक को लेके यहाँ आती रहती हूँ, ब्रिज पे थोड़ा वॉक करके यहाँ आते हैं। इसके जो स्लाइडिंग और कुछ एडवेंचरस गेम है वो सब चलते हैं और उसके बाद बस हम घर चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।